तो यह है वो डिस्टर्बिंग मांगा जिसे देखने के बाद मैं डर गया। सो अगर तुम्हें नहीं पता डिस्टर्बिंग मांगास क्या होती है, तो ये वो मांगास होती है जिनके विजुअल्स हमें काफी परेशान करते हैं, जैसे PTSD रेडियो एंड जुंजी इतो कलेक्शन। बट जो बात इस डिस्टर्बिंग मांगा को इन सभी से अलग बनाती है वो है इसका ट्रू क्राइम पर बेस्ड होना, जिसकी स्टोरी एंड डिटेल्स इतनी बोन चिलिंग है तुम्हें डरने के लिए मांगा बैनर्स को देखने की भी जरूरत नहीं होगी। एंड ट्रस्ट मी, इस क्राइम ने मुझे इतना पैरानॉइड कर दिया मैं सही से 2 दिन तक नहीं सो पाया। एंड इसी वजह से ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मुझे पता है तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है ताकि तुम देख सको ये डिस्टर्बिंग मांगा किस ट्रू क्राइम पर बेस्ड है। एंड इसी वजह से मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ पैरानॉइड फील आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो साल था 2004 जब ये मांगा रिलीज हुई एंड एक मूवी भी, और इन्हीं सब चीजों ने 15 साल पहले हुए हॉरिफाई केस को लोगों में जगा दिया, जहां कुछ लड़के मिलकर 44 डेज तक बड़े ही ब्रूटल और पेनफुल तरीके से एक लड़की को टॉर्चर करते हैं, जो सच में काफी डरावना था। तो उस मांगा का नाम था शिन जेंदाई और मूवी का कॉन्क्रीट। एंड इन्हें देखने के बाद सारे लोग मिलकर उस लड़की की आत्मा के लिए शांति मांग रहे थे, क्योंकि वो केस इस मांगा और मूवी से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग, ग्रूस था। This is Junko Furuto, एक इनोसेंट यंग गर्ल जिसे इन चार ट्विस्टेड लड़कों के हाथों बहुत कुछ सहना पड़ा, जिस वजह से ये सबसे हॉरिफाई केस बना पूरी दुनिया के सामने। सो ये है उस गैंग का लीडर हिरोशी मियानो, जिसने जुनको को किडनैप किया, अब्यूज किया एंड उस लेवल तक टॉर्चर किया जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कर सकता है। उसे पकड़कर स्लेव बनाया एंड मन करने पर पंचिंग बैग भी, और इसी कॉन्स्टेंट पेन से वो फाइनली आजाद हुई अपनी जान देकर। एंड ये बना द वर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। वेल, जो जुनको थी वो सिंसियर और नॉर्मल लड़की थी जो अपने स्कूल में काफी फेमस थी बिकॉज उसके लुक्स काफी अच्छे थे एंड वो एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करती थी और अपने फ्यूचर को लेकर भी काफी सीरियस थी, जिस वजह से वो स्कूल के बाद प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम वर्क करने के लिए जाती थी। एंड उसने अपने ग्रेजुएशन के लिए भी कुछ सोच के रखा था कि वो ग्रेजुएशन के टाइम इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर काम करेगी, बट वो नोस। November 25, 1988 रात की 8:30 जुनको बाइसाइकिल पर अपने पार्ट टाइम वर्क से घर जा रही थी। उसी वक्त मिनाटो नाम का एक लड़का अपनी बाइक से जुनको को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। एंड यहाँ मिनाटो ज्यादा कुछ करता वहाँ मियानो आ जाता है, जिसे देखकर मिनाटो वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद मियानो जुनको से कहता है वो उसे सेफली घर छोड़ना चाहता है तो वो उसके साथ चलेगा। बट मियानो जुनको को एक वेयर हाउस में ले जाता है जहाँ वो उसे मारने की धमकी देता है एंड उसके साथ रेप करता है, जिसके बाद वो जुनको को एक पास ही के होटल में जाता है जहाँ वो फिर से जुनको के साथ रेप करता है। एंड फिर मियानो मिनाटो और दो लड़कों को बुलाता है जिसमें से था ओग्रा 17 इयर्स ओल्ड और याशुशी जो भी 17 साल का ही था, वही मिनाटो 16 साल का एंड 18 साल का मियानो था, और इन सभी ने मिलकर 17 साल की लड़की को एक होटल रूम में कैद कर रखा था एंड उस पर हंस रहे थे कि उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया था। तभी ओग्रा मियानो से कहता है हमें जुनको को पकड़ कर ही रखना चाहिए ताकि बाकी लड़के भी उसके साथ सेक्सुअल असोल्ट कर सके। देन सुबह की 3 बजती है मियानो जुनको को पास के एक पार्क में ले जाता है जहाँ वो 3 पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। एंड वो सब मिलकर जुनको के बैग से उसकी नोटबुक निकालते हैं जिसमें जुनको के घर का एड्रेस था, जो देखकर मियानो जुनको से कहता है अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे, क्योंकि वो याकुजा ग्रुप का मेंबर है। सो अगर तुम्हें नहीं पता याकुजा ग्रुप क्या है, तो ये वो क्रिमिनल ग्रुप है जो जापान में वो सब क्राइम करते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और ये ग्रुप अभी भी एक्टिव है। जिसके बाद वो जुनको को उस पार्क से मिनाटो के घर ले जाते हैं जो टोक्यो के अदाची शहर में था। एंड यहीं वो जुनको को 44 डेज जो असल में 40 डेज थे जुनको को कैद करके रखते हैं, जिसे बाद में कहा गया 40 डेज इन हेल। बट अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब जुनको के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस ये सब स्टार्ट होता है मियानो के पास्ट से, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को मियानो के याकुजा ग्रुप से जुड़ा रहना पसंद नहीं था, क्योंकि वो उन लोगों के साथ मिलकर लड़कियों को किडनैप और उन रेप करता था। जिसके बाद मियानो जुनको को अप्रोच करता है एंड इस ऑफर को क्लियरली जुनको रिजेक्ट कर देती है, और यही गुस्सा मियानो के अंदर दबा रहा जो निकला 25 नवंबर की रात को, जब मियानो और मिनाटो किसी लड़की को किडनैप करने के लिए ढूंढ रहे थे और की टारगेट बनती है जुनको। जुनको के पेरेंट्स पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट कर देते हैं एंड इसी रिपोर्ट को वापस लेने के लिए वो लड़के जुनको को अपने पेरेंट्स से बात करवाते हैं कि वो घर से भाग चुकी है एंड अपने दोस्त के यहाँ सेफ है, तो प्लीज वो अपनी रिपोर्ट वापस ले लें।
जुनको के पेरेंट्स अपनी रिपोर्ट वापस ले लेते हैं। वहीं मिनाटो के घर सबको पता चल जाता है कि यहाँ कोई लड़की आई है, जिसे मिनाटो जुनको को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर सॉल्व कर देता है और वो जुनको से भी कह देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड जैसा एक्ट करे। डे 3। रात को मियानो मिनाटो के घर दो लड़कों को बुलाता है एंड उनके साथ खांसी की दवा पीकर नशे में होने का नाटक करते हैं एंड उन्हें देखकर जुनको चिल्लाते हुए वहां से भागती है, जिस पर मियानो उसका पांव पकड़ लेता है एंड दूसरा लड़का उसका फेस पिलो से दबा देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। बट इस वक्त तक मिनाटो के पेरेंट्स उठ जाते हैं और मिनाटो से पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर मिनाटो उन्हें डराते हुए कहता है कुछ नहीं, जिसके बाद वो सब मिलकर बड़े ही बेरहमी से जुनको का रेप करते हैं एंड इस एक्टिविटी के टाइम जुनको लगभग बेहोश हो जाती है एंड बिना पलके झपकाए छत को रहती है। मिनाटो के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उस लड़की के साथ कुछ तो गलत हो रहा है एंड वो जुनको को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता है क्योंकि उन्हें डर था मिनाटो उन्हें भी मार देगा। फिर से जुनको के साथ वही होता है जो होता आ रहा था। डे 5-11। वो जुनको को खाने के लिए कॉकरोच देते हैं एंड ड्रिंक करने के लिए भी फोर्स करते हैं और मजे के लिए लाइटर से उसे जलाते भी हैं एंड उसके प्राइवेट पार्ट में फॉरेन ऑब्जेक्ट डाल देते हैं एंड सबके सामने उसे कपड़े उतारकर डांस करने के लिए भी कहते हैं एंड उनके सामने मस्टरबेशन करने के लिए भी। 12-30। आज ही जुनको को बेम्बो स्टिक से मारा गया और पटाखों को उसके प्राइवेट पार्ट में डालकर चलाया गया एंड उसके हाथों को कुचलकर नाखून उखा लिए गए एंड फिर से उसे गोल्फ क्लब से मारा गया एंड उसके प्राइवेट पार्ट में जल्दी हुई सिगरेट डाली गई और बार बार आयरन रोड से पीटा गया। 31। जुनको के प्राइवेट पार्ट में ग्रिल चिकन डाला गया जिससे जुनको के प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग शुरू हो गई और बाहर बालकनी में कपकपाती ठंड में जुनको को छोटे कपड़े पहनाकर सोने के लिए भेज दिया। 32-35। जुनको भागने की कोशिश करती है। जब वो सारे लोग सो रहे होते हैं पर जुनको के बॉडी पर इतने जख्म थे कि वो सही से चल भी नहीं पा रही थी और वो वहीं बैठे बैठे पुलिस को कॉल करने की ट्राई करती है, जिसकी आवाज मियानो सुन लेता है एंड वो जुनको को मारने लगता है जैसे वो कोई पंचिंग बैग हो, जिससे जुनको की नाक टूट जाती है एंड वो मुंह से सांस लेने लगती है और फिर वो लोग जुनको के हाथ पर सिगरेट चिपकाते हैं एंड फिर वो जुनको के प्राइवेट पार्ट में एक बोतल भी डालते हैं जिससे जुनको को इंटरनल चोट लग जाती है। 36। जुनको के लेफ्ट वाला निपल काट दिया जाता है एंड जुनको के पैरों पर पेट्रोल डालकर जलाया जाता है और उसके चेस्ट पर बड़े ही बेरहमी से सुइयों से हमला किया जाता है। बट ये भी उन शैतानों के लिए कम नहीं था, वो जुनको के फेस पर गरम वैक्स डाल देते हैं। 37-39। जुनको की आईब्रो लाइटर से जला दी जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट में जलता हुआ बल्ब डाल दिया जाता है एंड बाद में एक केजीबी, जिससे जुनको को इंटरनल कट्स लग जाते हैं जिस वजह से वो ठीक से पेशाब भी नहीं कर पा रही थी और इसी के साथ उसका पूरा शरीर और चेहरा सूज गया था, जिस वजह से वो लड़के अब जुनको की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे एंड धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो चुका था। 40। इस वक्त तक जुनको के साथ 400 बार हो चुका था, वो भी 100 अलग अलग लोगों से। वो लड़के किसी से महाजोम गेम में हार के आते हैं। वेल, अगर तुम्हें नहीं पता ये महाजोम गेम क्या है तो ये जापान में खेले जाने वाला एक गेम है, जिसका गुस्सा वो जुनको को आयरन रोड से मार कर निकालते हैं एंड कई बार वो आयरन रोड उसके प्राइवेट पार्ट में भी डालते हैं एंड फिर वो जुनको की बॉडी पर पेट्रोल डालकर जला देते हैं एंड ये सब लगभग 2 घंटों तक चला, जिसके बाद जुनको अपना दम तोड़ देती है एंड फाइनली इस हेल से आजाद हो जाती है। एंड जुनको के मरने के बाद भी ये सब रुकता नहीं है। वो जुनको की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए 55 गैलन का ड्रम चुनते हैं, जिसमें डेड बॉडी डालकर सीमेंट से भर देते हैं एंड ट्रक में लोड कर टोक्यो के कोटो जंगल में डाल देते हैं एंड कभी भी जुनको की बॉडी उसके पेरेंट्स को नहीं मिलने वाली थी और उन्हें कभी पता भी नहीं चलता कि उनकी बेटी अब मर चुकी है, जब तक पुलिस को मियानो के घर के बाहर से एक लड़की की अंडरवियर नहीं मिलती है एंड ये अंडरवियर उसी 19 साल की लड़की की थी जिसे दिसंबर में इन लोगों ने किडनैप किया था और उसे सेक्सुअली असोल्ट करने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि इस वक्त तक उनका मन झुनको से भर चुका था एंड उन्हें जिंदा झुनको के अंदर से सड़ने की स्मेल भी आ रही थी और यही चीज उन लड़कों का इंटरेस्ट झुनको से हटा देती है एंड वो इस 19 साल की लड़की को टारगेट बनाते हैं, जो पुलिस में जाकर मियानो के घर का एड्रेस देती है और पुलिस को वहां से इसी लड़की की अंडरवियर मिलती है। फिर पुलिस मियानो और ओगरा को अरेस्ट कर लेती है इस लड़की के रेप के चार्जेस पर, जहां पुलिस ओगरा से हाल ही में हुए एक मर्डर के बारे में पूछती है और ओगरा झुनको वाला मर्डर समझकर सब कुछ पुलिस को बता देता है एंड ये सुनकर पुलिस भी थोड़ी कंफ्यूज थी,
क्योंकि वो किसी और मर्डर की बात कर रहे थे। बट मर्डर तो मर्डर है, वो मियानो और ओगरा को लेकर उसी जंगल में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक ड्रम में डेड बॉडी मिलती है एंड फिंगरप्रिंट से कंफर्म हो जाता है वो जुनको है। एंड जब बाद में जुनको की माँ को पता चलता है कि उसकी मासूम बेटी ने 40 दिनों तक क्या क्या झेला है तो वो बेहोश हो जाती है एंड कहीं महीनों तक उन्हें थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। बट अभी भी जुनको की माँ को बहुत कुछ देखना था कि उसकी बेटी के क्रिमिनल्स के साथ क्या होने वाला है। जैपनीज कोर्ट मियानो को 17 साल की सजा देती है जिसे बाद में जाकर 20 साल की कर दी जाती है। वहीं उन तीनों को 8-8 साल की सजा देते हैं जो कहीं से भी इस हॉरिफाइंग क्राइम को जस्टिस नहीं करता था। अगर वो जज मैं होता मैं इन सभी को बीच चौराहे पे फांसी देता। बट अगर होनेस्टली कहूँ तो ये चीज भी इन झल्लादों के लिए कम है। लेकिन फिर भी जैपनीज कोर्ट इन्हें माइनर की कैटेगरी में डालकर उसके बेसिस पर सजा देती है जो इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। और इन चारों के फैमिली को जुनको के परिवार को 50 मिलियन येन देने के लिए कहते हैं जो साफ साफ दिख रहा है वो जुनको के उस 40 दिन के टॉर्चर के लिए पे कर रहे हैं। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से इनफ नहीं है क्योंकि तुम किसी की जिंदगी खरीद नहीं सकते, वो भी इन कागज के टुकड़ों से। वेल, मैं तो मानता हूँ कि ये सारी गलती मिनाटो के परिवार की है। वो अगर बिना डरे पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं तो वो खुद भी बचते हैं एंड जुनको भी। बट जैपनीज कोर्ट क्या करती, वो उन्हें बिना किसी चार्जेस के छोड़ देती। सो अब लास्ट में मैं यही कहूंगा, जुनको अब जापान का एक कल्चर बन चुकी है जिस पर कई सारी मूवीज बनी है और आज भी इस मेमोरीज को मांगा और एने में समेट कर बैठी है। एंड मैं प्रे करता हूँ एक दिन जुनको को ट्रू जस्टिस मिले। बाकी तुम्हें क्या लगता है इस केस पर पुलिस और कोर्ट ने उन्हें सजा कम क्यों दी, क्योंकि उसमें याकुजा ग्रुप ने इंटरफेयर किया।